हुई है। यूपी एसटीएफ ने गुरुग्राम में रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनकड़ को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है। इस रिजॉर्ट में 1000 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा से एक दिन पहले ही सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर पढ़वाया गया था। पेपर पढ़वाने के बदले हर छात्र से 7 लाख रुपए की डील हुई थी। सतीश धनकड़ को हिरासत में लेकर एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक एक बड़ा मामला सामने आया। पेपर लीक जैसे ही हुआ उसके बाद हड़कंप मच गया, परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब पेपर लीक से जुड़े अब तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे नेक्सस को खंगालने में एसटीएफ जुटी हुई है और इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई आज हुई है, जब हिरासत में लिया गया वो शख्स जिसके रिजॉर्ट में 1000 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे, पढ़वाए गए थे। ऋषभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, कहां से गिरफ्तारी हुई इस शख्स की और इससे तो बड़े खुलासे हो सकते हैं? गुरुग्राम से ही हुई है और इसको यूपीएसटीएफ लेके आ रही है लखनऊ में। यहाँ भी उससे पूछताछ होगी और इसको एसटीएफ अपनी कस्टडी रिमांड में भी लेगी। जो शुरुआती पूछताछ में सामने आ गई है, बाकी दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल तैनात है विक्रम पहल, जो इस सतीश धनकड़ का दोस्त था, वो पेपर आउट कराने वाले गिरोह से भी जुड़ा हुआ था। उसके कहने पर ही उसके कुछ साथियों ने इस रिजॉर्ट का पता बताया था, नेचर वैली की, यहाँ पर बड़ी जगह है जहाँ पर 1000-1200 लड़के आ सकते हैं, उनको वहाँ पर पेपर पढ़वाया जा सकता है बोल बोल के। तो लिहाजा अपने उसी गिरोह के कुछ लोगों के पर सतीश धनकड़ तैयार हो गया था कि मेरे रिजॉर्ट में आप लोग आ सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर सबको पेपर पढ़वाया गया था जिसकी अब गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर वाराणसी से। बाइक सवार बदमाशों ने दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोली लगने के बाद व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाराणसी के थाना मड़ुआ डी के जलाली पट्टी का यह मामला है। मृतक का नाम सोनू था। इस केस में पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। मृत व्यापारी सोनू मड़ुआ डी का हिस्ट्रीशीटर था। थाने में 7 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। मृत व्यापारी के पिता का भी 10 साल पहले रॉड से हमला कर हत्या की गई थी। तो मुझे रात क्या के समय ये सूचना मिली कि सोनू यादव है जो नाथूपुर गांव का रहने वाला है। नाथूपुर गांव और जलाली पट्टी दोनों फटे हुए हैं। नाथूपुर से लगभग इसके घर से 200 मीटर दूर जलाली पट्टी गांव की गली में जो है ये सूचना मिली कि दो मोटरसाइकिल से जो है बदमाश आए और जो है गोली मार दी और हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। और अगली खबर भी वाराणसी से ही है। काशी विश्वनाथ धाम में युवकों की उद्दंडता देखने को मिली है। युवकों ने एक दूसरे पर जमकर जूता चप्पल बरसाए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के अंदर की तस्वीरें, परिसर में चप्पलों की बौछार हो गई। होली खेलने पहुंचे थे और यहीं पर एक दूसरे पर इन्होंने जूते चप्पल से हमला किया है। वजह क्या रही विवाद की ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन परिसर के अंदर देखिए किस तरह से कुछ देर के लिए हंगामा मच गया, बाद में स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ पर के लिए ये सभी इकट्ठा हुए थे। ये मंदिर के मुख्य गेट के बाहर का प्रांगण है जो आप देख रहे हैं, जहां पर ये सभी इकट्ठा हुए हैं और यहां पर एक दूसरे पर कैसे जूते चप्पल से हमला कर रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। खबर हापुड़ से। बाबूगढ़ पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठग फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भोले भाले गरीब लोगों को ठगा करते थे। इनके पास से पुलिस ने 9000 नकद, 2 मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड और रसीदें बरामद की है। पुलिस ने 2 शातिर ठग शिवा और राजेश को गिरफ्तार किया है। दोनों ही कानपुर के निवासी हैं। तकरीबन 10 दिन पहले शातिर ठगों ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक दिव्यांग को अपना निशाना बनाया था। के जनपद से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के और भी जनपदों में काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड और ठगी करी हुई है। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे घर फ्लैट दिलाने के लिए कॉल करते हैं
और जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको झांसे में लेकर के उससे अपने अकाउंट में उस प्रॉमिस के साथ कि उसको ये घर दिलवा देंगे, 25,000 रुपये 30,000 रुपये जो उनसे बन पड़ता है वो ट्रांसफ़र करा लेते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र करने के बाद ही अपना मोबाइल वगैरह बंद कर देते हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, कार्रवाई की है। 20 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर के पास गौरीकुंड इलाके का ये मामला है जहां पर 3 की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इन अभियुक्तों का नाम है सचिन गुप्ता व सनी गुप्ता। ये दोनों अभियुक्त पलिया कस्बे के रहने वाले, इनका पूर्व भी आपराधिक इतिहास है, पहले भी लोग नशे के व्यापार में जेल जा चुके हैं। पुलिस के द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कुछ दिन पूर्व पलिया पुलिस के द्वारा भी इसमें NDPS और नशीला पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी और चुनाव के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में 30 जनवरी को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हनीफ कुरैशी और रिजवान कुरैशी को गिरफ्तार किया। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी सुनील गुप्ता के घर 30 जनवरी को डकैतों ने एक बड़ी डकैती की थी। वारदात में एक काले रंग की ब्रेजा कार का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस जांच कर रही थी तभी लुटेरे अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढने के लिए एक बार फिर पीलीभीत ही पहुंचे, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी लगी। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और फिर माधो टांडा रेलवे के पास एक काले रंग की ब्रेजा बिना नंबर वाली आती दिखी। तब पुलिस ने इस कार को रोकने की कोशिश की, कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, रिजवान के दो पैरों में गोली लगी है, उसके साथ ही फरमान के भी पैर में गोली लगी है। पूछताछ के दौरान रिजवान ने बताया कि वो रामपुर जिले का रहने वाला है, जबकि उसके साथी फरमान कुरैशी ने बताया कि वो डासना जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। फरमान पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं रिजवान पर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसमें मेन चीज़ है जो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी आपसे अपील करना चाहूँगा कि CCTV की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पावर बैकअप जितने भी हमारे व्यापारी बंधु बहुत अच्छे से अच्छा नाइट विजन CCTV मोशन सेंसर अलार्म या कुछ कुछ चीज़ें जरूर लगा के रखें और इवन डैश कैम भी आजकल गाड़ी में आता है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और कुछ पैसे लेके जा रहे हैं तो डैश कैम भी लगाएं।